नमस्कार, कैसे आप सभी। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 14 में भाग 3 तक पढ़ लिया। भाग 3 में आपने उत्पादकता के बारे में जाना। आपने जाना कि प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है। आपने जाना सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है। सब कुछ आपको बता दिया गया। अब आते हैं हम भाग 4 में, उसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है अपघटन। ये अपघटन या डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया कैसे होती है, डिकम्पोजिशन। आपको बताया कि अपघटन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा पोषक पदार्थों का चक्र चलता रहता है। देखिए, होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश में पौधे कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पौधे कार्बनिक पदार्थ सिर्फ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, नहीं। ये मृदा से क्या लेते हैं, खनिज तत्व, साथ ही वातावरण से CO2 लेते हैं, जल का उपयोग करते हैं और इन सभी से कार्बनिक पदार्थ को बनाते हैं। इन पौधों को खाते हैं शाकाहारी जंतु और इस प्रकार से शाकाहारी जंतुओं में कार्बनिक पदार्थ पहुंचता है। इन्हें खाते हैं मांसाहारी जीव और इस प्रकार से मांसाहारी जीव में कार्बनिक पदार्थ पहुंचता है। अगर पृथ्वी पर CO2, जल, खनिज तत्व, ये सभी चक्र के माध्यम से वापस वायुमंडल में न लौटे तो ये तो कब का खत्म हो चुके होते ना, क्योंकि इसका लगातार उपभोग हो रहा है। किसी भी चीज का आप लगातार उपभोग करोगे तो कभी तो खत्म होगा। तो यही कारण है कि इनमें ये सब तत्व तो खत्म नहीं होते, क्योंकि लगातार अपघटन की प्रक्रिया चलती रहती है। अपघटन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और ये तत्व तो वापस उस स्थान पर पहुंचते रहते हैं। कैसे, जैसे पौधा है, पौधे ने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से खनिज तत्व लेकर, वातावरण से CO2 लेकर, जल लेकर कार्बनिक पदार्थ बनाता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके मृत अवशेष में ही क्या होता है, अपघटन होता है, अपघटन होता है। और अपघटन के फलस्वरूप ये जो अकार्बनिक पदार्थ थे, जिससे कार्बनिक पदार्थ बना था, वे फिर से अकार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं और वातावरण में मुक्त होता है। जैसे पौधे में कोई कार्बनिक पदार्थ था, पौधे के मृत होने पर उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ था उसमें अपघटन की प्रक्रिया होती है, जिससे कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ CO2, जल वगैरह बनते हैं। क्लियर हुआ। कोई शाकाहारी जंतु है, उसके भी मृत होने पर उसका अपघटन होगा और वापस जो उसके शरीर में कार्बनिक पदार्थ है वह अकार्बनिक पदार्थ में टूट जाते हैं और वातावरण में वापस वो चले जाते हैं। इसी तरीके से मांसाहारी जीव के मृत होने पर इनका अपघटन होता है और इनमें उपस्थित अनेक कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं और वापस जिस जगह पर हैं, मृदा, वायु, इन सब पर पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से तत्वों का चक्र चलता रहता है। कभी कार्बन डाइऑक्साइड वायु में था, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ने ग्रहण किया वायु से, उसका उसने कार्बनिक पदार्थ बनाया, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनाया, अपने शरीर में संचित कर लिया। जब मरा तो मृत अवशेष में अपघटन हुआ, अपघटन के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ था वो पुनः अकार्बनिक पदार्थों में टूट जाता है और उसी वायुमंडल में चला जाता है CO2 के रूप में, और या जो भी खनिज तत्व है मृदा में मिल जाते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक बात कही जाती है कि मानव शरीर मिट्टी का बना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। आपने सुना होगा, क्यों कहते हैं। पौधे क्या हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं मृदा से सारी चीज़ों को अवशोषित करके प्रकाश की उपस्थिति में। यानी जो भी चीज़ें हमारे शरीर में हैं कार्बनिक तत्व, वो पहले अकार्बनिक तत्व के रूप में मृदा में उपस्थित थे। इसका उपभोग पौधे करते हैं, पौधे वगैरह को हम खाते हैं और हमारे शरीर में वो कार्बनिक पदार्थ पहुंचता है। यानी मृदा से ही, मृदा के अकार्बनिक तत्वों से ही
कार्बनिक तत्व पर बनता है जिससे हमारा शरीर बनता है। पुनः हमारी मृत्यु होने पर, किसी जीव के मृत्यु होने पर अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा वो पुनः कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ में टूट के उसी मिट्टी में मिल जाता है। आपने भी देखा होगा शमशान घाटों में जो लाशें दफनाई जाती हैं वो हमेशा वैसे थोड़े ना पड़ी रहेंगी, सड़ गुल कर मिट्टी में मिल जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मिट्टी का बना है शरीर, मिट्टी में ही मिल जाना है। अब बात करते अगर भारतीय संस्कृति में, तो यहाँ पर शव दाह होता है, शवों को जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता। उसके रीजन सुनिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल का ग्रहण करते हैं, मृदा से खनिज तत्व लेते हैं और सूर्य के प्रकाश से उसका ऊष्मा ग्रहण करते हैं। और शव दाह करने का मतलब ये होता है कि जिन जिन चीजों से शरीर बना था उन्हीं उन्हीं चीजों में वो लौट जाए। यानी देखिए, शव दाह करने पर शवों से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा रिलीज हो जाती है पृथ्वी के वातावरण में। शव दाह करने से, शवों के जलने से जो भी वायु निकलती है वो वायुमंडल में मिल जाती है। यानी वायु से जो भी चीजें ग्रहण किया था वो वायु में मिल गया, एक ये पोषण चक्र हुआ। दूसरा, आप अगर हिंदू धर्म के होंगे तो आपको पता होगा शव दाह करने के बाद कुछ जो अवशेष बचते हैं, मांस के लोथड़े या जो राख है, वो मिट्टी में, वो जल में प्रवाहित किया जाता है। तो जल में क्यों प्रवाहित करते हैं? क्योंकि बहुत अधिकांश भाग शरीर का जल से ही बना होता है, उसको जल में प्रवाहित किया जाता है जिससे वो तत्व जल में विलीन हो जाए और थोड़ा बहुत मात्रा वहाँ की मृदा में भी मिल जाती है। यानी जिन जिन तत्वों से शरीर बना होता है शव दाह करने पर उन्हीं उन्हीं फॉर्म में वो चला जाता है। ठीक, तो ये छोटी सी जानकारी थी कि अपघटन का एक अपना एक महत्व है जिससे पोषण चक्र चलता रहता है। अब अपघटन में होता क्या है? अपघटन प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो अपघटन की जो प्रक्रिया है वो कई चरणों में पूर्ण होती है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए कि अपघटन में क्या होता है, मृत अवशेष जो होते हैं, चाहे वह पौधे के मृत अवशेष है या किसी जंतु के मृत अवशेष है, उन मृत अवशेषों को कहा जाता है अपरद। मृत अवशेषों को अपरद यानी डेट्रिटस कहते हैं। ठीक है, डेट्रिटस। जो भी कोई पौधा है उसका कोई पत्ती उसके शरीर से गिर गया नीचे जमीन पे, उसका मृत अवशेष है, वो भी अपरद कहलाएगा। पौधे का कोई तना है टूटकर गिर गया जमीन पर, मृत अवशेष है, वो भी अपरद कहलाएगा। पूरा का पूरा पेड़ गिर गया, मृत अवशेष हो गया, अपरद कहलाएगा। कोई शाकाहारी जीव था वो मर गया तो उसका शरीर का मृत अवशेष अपरद कहलाएगा। अब इसी अपरद में जो मृत अवशेष है जिसे हम अपरद कहते हैं, इसी में शुरू होता है अपघटन की प्रक्रिया। अपघटन की प्रक्रिया, अपघटन की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन, ये सब याद करिए आप। दूसरी प्रक्रिया होती है निच्छालन, जिसे कहते हैं लीचिंग। तीसरी प्रक्रिया होती है अपचयन यानी कैटाबॉलिज्म, और उसके बाद होता है ह्यूमस ह्यूमस भवन, जिसे कहते हैं ह्यूमिफिकेशन, और होता है खनिजीकरण यानी मिनरलाइजेशन। अपघटन की प्रक्रिया को आप समझिए, ये जो अपरद है यानी मृत अवशेष है, सबसे पहले ये अपरद अपरदहारियों
अपरद हारियों, जिन्हें क्या कहते हैं, डेट्रीवोर्स कहते हैं, ऐसे जीव जो अपरद को खाते हैं, डेट्रीवोर्स। इन मृत अवशेषों को जो खाते हैं उन्हें हम अपरदहारी कहते हैं। तो ये अपरद अपरदहारियों यानी डेट्रीवोर्स, जैसे केचुआ, केचुआ होता है डेट्रीवोर। तो आपसे डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डेट्रीवोर का उदाहरण बताइए, अपरदहारी का उदाहरण बताइए, केचुआ, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चीटी वीटी, तो ये सब क्या करते हैं, इन मृत अवशेषों को खाते हैं। और इन अपरद को छोटे छोटे कणों में तोड़ भी देते हैं, कणों में तोड़ देते हैं। क्लियर है बात? तो ये पहला स्टेप होता है, इसे कहते हैं खंडन, फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है बात? सबसे पहले क्या होता है कि जो मृत अवशेष है, अपरद है, वो अपरदहारियों जैसे केचुआ, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इन सभी के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाते हैं और साथ में खाए भी जाते हैं। वो जीव केचुआ वगैरह इन मृत अवशेषों को खाता है, खाने के दौरान पचाता है, जो अपचित भाग होता है वो मल के द्वारा वापस छोड़ देता है उस जगह पर। तो वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, जिसे हम खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया आती है निच्छालन। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों में जल के मिश्रित होने से वो घुलेगा और घुल कर शर्करा आड़ू अलग हो जाते हैं, अन्य कार्बनिक आड़ू अलग हो जाते हैं, अन्य कार्बनिक आड़ू अलग हो जाते हैं उस अपरद से। अब आता है अपचयन की प्रक्रिया, जो सबसे प्रमुख होती है। अपचयन की प्रक्रिया में ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको जीवाणु, कवक, ये सभी एंजाइम्स का स्राव करके, एंजाइम का स्राव करके इन्हें सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, पदार्थ ना करके हम यहाँ पर तत्व कहेंगे, तत्वों में तोड़ देते हैं। सबसे बड़ा रोल यहां पर इन्हीं का होता है, जीवाणु कवक का, जो इस पदार्थ में, अपरद में जो शर्करा, अन्य कार्बनिक अणु होते हैं, उनको अपने एंजाइम्स के द्वारा गला वाला के, सड़ा वड़ा के अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर इसी अपचयन की प्रक्रिया के दौरान काले रंग का, गहरे रंग का अवशेष बचता है, बनता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस का बनना ह्यूमस भवन कहलाता है, ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। और इस ह्यूमस से इन जीवाणु कवकों द्वारा अकार्बनिक तत्वों का बनना खनिजीकरण कहलाता है। यानी जैसे कोई कार्बनिक पदार्थ था, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ था, तो कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ बनता है, यही कहलाता है खनिजीकरण, खनिज का निर्माण। जैसे मान लो C6H12O6 है, ठीक, ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में। तो ये कार्बनिक पदार्थ था जो अकार्बनिक तत्वों में टूट गया, इसे कहते हैं खनिजीकरण। ये संपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं अपघटन के दौरान। और जो कार्बनिक पदार्थ होता है पौधों के या जंतुओं के मृत अवशेष में, वो इन इन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अकार्बनिक तत्वों में टूट जाता है, बस इसी को कहते हैं अपघटन। क्लियर बात? बस। तो अपघटन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर मैं बता दूं आपको क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पूछा जाता है कि
बताइए कि अपराधारी क्या होते हैं? तो अपराधारी वे जीव होते हैं जो अपराधों को खाते हैं। अपराध क्या होता है? जीवों के मृत अवशेषों को कहते हैं। अपराधारी के एग्जाम्पल बताइए, केचुआ, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चींटियां, ये सब। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है? उसके बाद पूछा जा सकता है कि निच्छालन की प्रक्रिया में क्या होता है? तो निच्छालन की प्रक्रिया में जो छोटे छोटे कण में टूट दिए जाते हैं अपराध, वे सरल कार्बनिक अणुओं में बदल जाते हैं, शर्करा अणु या अन्य सरल कार्बनिक तत्वों में बदल जाते हैं। अपचयन में जीवाणु और कवकों के द्वारा जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं उनके माध्यम से जो कार्बनिक तत्व है वह अकार्बनिक तत्वों में टूट जाते हैं। उसके बाद ह्यूमस भवन के दौरान गहरे गाढ़े रंग का तरल बनता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, सड़ा हुआ पदार्थ। और खनिजीकरण में कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में टूटना। बस अब इसके बाद आता है टॉपिक आपका पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो इन एन इको सिस्टम। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, इसमें आप जानेंगे कि कैसे सूर्य के प्रकाश से पौधे ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इस ऊर्जा का प्रयोग प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं यानी शाकाहारी जीव, और शाकाहारी जीव को खाते हैं मांसाहारी जीव यानी द्वितीयक उपभोक्ता, और इनको खाते हैं तृतीयक उपभोक्ता यानी सर्वाहारी जीव। किसी भी पारितंत्र में यही ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ, यही कहलाती है ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो। हमेशा याद रखिएगा ऊर्जा का प्रवाह सदैव, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सदैव क्या होता है? एक दिशात्मक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका मतलब क्या है? हमेशा ऊर्जा सूर्य से पौधे को जाएगी, पौधे से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता को जाती है। क्योंकि पृथ्वी पर ऊर्जा का अकेला एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, और सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग पौधे ही कर पाते हैं, स्वपोषी जीव कर पाते हैं। तो ऊर्जा हमेशा सूर्य से पौधे को ही जाएगी, सूर्य के ऊर्जा को इनको तो मिलेगा नहीं, सूर्य के ऊर्जा का प्रयोग पौधे कर पाते हैं, पौधे को जाएगा, और पौधों को खाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, यानी पौधे से सदैव ऊर्जा किधर ट्रांसफर होगा? इस दिशा में, प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, और प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, तो ऊर्जा प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ जाएगा, और तृतीयक उपभोक्ता इस प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता का उपयोग करते हैं, यानी सदैव एक ही डायरेक्शन में जाएगा, कभी भी उल्टी दिशा में नहीं जाता। प्राथमिक उपभोक्ता को ये पौधे नहीं खाते, अगर ये पौधे इनको खाते तब तो प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा कहाँ ट्रांसफर हो जाती? पौधे में चला जाता, लेकिन पौधे तो खाते नहीं है। तो इसलिए ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं कि हमेशा क्या होता है? एक दिशात्मक होता है, सूर्य से पौधे में, पौधे से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता। अब बात यहां पर आती है कि कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूर्य के सौर ऊर्जा का केवल 1% पौधे उपभोग करते हैं, यानी अगर हम सूर्य की ऊर्जा को 1,00,000 जूल मान लें, 1,00,000 जूल मान ले, तो इसका केवल 1%, यानी 1,000 जूल
ऊर्जा पौधे को प्राप्त होती है। क्लियर है? इतना पहले समझिए, सूर्य की कुल ऊर्जा का केवल 1% ऊर्जा पौधा प्रयोग करता है, सौर ऊर्जा का केवल 1%। अगर सौर ऊर्जा 1,00,000 जूल है तो उसका केवल 1% यानी 1,000 जूल ही पौधे को प्राप्त होता है, 1% सूर्य से ऊर्जा पौधे को। अब ऐसा तो है नहीं कि पौधा जितना ऊर्जा प्राप्त किया है सब कुछ संचित कर लेगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे ऊर्जा अपनी जैविक प्रक्रियाओं में खर्च करता है, श्वसन वगैरह में हानि होती है, ऊष्मा के रूप में शरीर से निकलता रहता है। 90% संचित ऊर्जा का 90% ऊर्जा की हानि हो जाती है, केवल और केवल 10% ऊर्जा इनके पास शेष बचता है जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता खा लेते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं। यानी केवल और केवल कितना प्रतिशत, केवल 10% ऊर्जा ही एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर को स्थानांतरित होती है। क्लियर है बात? अब 1,000 जूल का 10% कितना हुआ, 100 जूल। 100 जूल ऊर्जा प्राप्त होता है प्राथमिक उपभोक्ता को। अब फिर वही लागू होता है कि प्राथमिक उपभोक्ता भी 100 जूल जो ऊर्जा प्राप्त किए हैं, ऐसा तो है नहीं कि 100% बचा लें, ये भी 90% ऊर्जा खर्च कर देते हैं, केवल और केवल 10% ऊर्जा संचित होता है जो इनको मिलता है द्वितीय उपभोक्ता को। यानी 100 जूल का 10% यानी 10 जूल ऊर्जा प्राप्त होता है, 10 जूल ऊर्जा प्राप्त होता है द्वितीय उपभोक्ता को। फिर वही बात आती है कि द्वितीय उपभोक्ता भी 10 जूल ऊर्जा प्राप्त किया है तो ऐसा तो है नहीं कि सारे 10 जूल बचा के रख पाए, 90% इसके भी विभिन्न कार्यों में खर्च हो जाते हैं, केवल और केवल 10% ऊर्जा ही इन तृतीय उपभोक्ता को इनको खाने से प्राप्त होता है। यानी 10 जूल का 10% 1 जूल इनको प्राप्त होता है। क्लियर है बात? इसे कहते हैं लिंडेमान का 10% नियम, लिंडेमान का 10% नियम, एमएससी तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ये याद कर लीजिए। लिंडेमान का 10% क्या नियम क्या कहता है कि सदैव सूर्य की ऊर्जा का 1% पौधे प्रयोग करते हैं और प्रत्येक पोषी स्तर से, ये बताइए कौन सा पोषी स्तर है, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा पोषी स्तर है, प्रथम पोषी स्तर है ना, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और ये क्या है द्वितीय पोषी स्तर यानी सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये क्या है थर्ड ट्रॉफिक लेवल, तृतीय पोषी स्तर, ये क्या है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल यानी चतुर्थ पोषी स्तर। मैंने आपको बताया कि एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, इसे कहते हैं लिंडेमान का 10% लॉ। बस यहां पर ध्यान क्या रखना है कि जो सूर्य की ऊर्जा है उसका केवल 1% प्रयोग होता है, बाकी हर स्तर में सिर्फ 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है। ऐसे आपको वैल्यू दे देंगे, बताइए कि सूर्य की ऊर्जा 1,00,000 जूल है, बताइए कि द्वितीय उपभोक्ता को कितना ऊर्जा प्राप्त होगा, तो निकाल लीजिएगा 1,00,000 जूल है तो 1% पौधे उपयोग करेंगे, 1,000 जूल इनको खाएंगे ये, तो 100 जूल, फिर 100 जूल से 10 जूल इनको प्राप्त होगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है बात है? तो ये है ऊर्जा प्रवाह। आइए बुक पर आते हैं। पहले तो आप अपघटन को समझ लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है, केंचुओं को किसान का मित्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि केंचुआ जो भी सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनको खा पी के पचा कर मिट्टी में मिला देता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, क्योंकि मिट्टी में खनिज पदार्थ होंगे तभी वहाँ पर पौधे वृद्धि कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि केंचुआ जटिल कार्बनिक पदार्थों का खंडन करने के साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं, भुरभुरा बनाते हैं तो उसमें मिट्टी में वायु अच्छी जाती है, वायु वाली मृदा हो जाती है, जल भी अच्छे तरीके से उसमें जाते हैं। उसी प्रकार अपघटक जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को अपघटन कहा जाता है। पौधों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, उनके छाल, फूल, प्राणियों के मृत अवशेष, मलादि सहित अपरद बनाते हैं, यानी जितने भी मृत अवशेष हैं चाहे वो पत्ती हो, चाहे डंठल हो, तना हो, जड़ हो, यानी पूरा का पूरा पादप मृत हो जाए या जंतु मृत हो जाए, उसके मृत शरीर को अवशेष को अपरद कहते हैं, जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ का काम करता है। अपघटन की प्रक्रिया देखिए, अपघटन की प्रक्रिया में मैंने आपको बताया
सबसे पहला आता है खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, फिर आता है निच्छालन, लीचिंग, फिर अपचयन यानी कैटाबोलिज्म, उसके बाद हिमसभवन और खनिजीकरण। खंडन में क्या होता है, जो अपराधारी होते हैं वो अपराध को खाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और अपराधारी द्वारा अपराध के टुकड़ों को खाने पर इनकी आहार नाल में सूक्ष्म कणों में विघटित हो जाता है। अब यह चूड़ित अवस्था मल के साथ भी मृदा में आ जाता है। तो खंडन की प्रक्रिया कौन करता है, अपराधारी। उसके बाद होता है अपचयन। अपचयन में जीवाणुवीय एवं कवकीय एंजाइम अपराधों को सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। यहां पर निच्छालन छूट गया है, निच्छालन में क्या होता है देख लीजिए। निच्छालन में मृदा में से जल के रिसने पर अपराध के विखंडित चूर्ण में से शर्करा एवं अन्य पोषक तत्व निच्छालित होकर मृदा में आ जाते हैं, और उन शर्करा और निच्छालित कार्बनिक तत्वों को जीवाणुवीय और कवकीय एंजाइम अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। ह्यूमस भवन और खनिजीकरण के दौरान क्या होता है, ह्यूमस बनता है और अकार्बनिक तत्व बनता है। ह्यूमस क्या होता है याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूमस क्या होता है, अपघटन के दौरान बने गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण ह्यूमस कहलाता है। कुछ अम्लीय होने के कारण या सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से होता है। अच्छा, जहां अम्लीय का बात आ गया, अम्लीय जो होगा वो बहुत धीरे गति से अपघटित होता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रतिरोध करता है, तो वहां पर अपघटन थोड़ी कम गति से होगा। स्वभाव में कोलाइडल होने के कारण या पोषक के भंडार का काम करता है। कार्बनिक पदार्थों के विघटन द्वारा CO2 H2O खनिज यौगिकों की विमुक्ति को खनिजीकरण कहा जाता है, यानी कार्बनिक पदार्थों से अकार्बनिक तत्वों के बनना खनिजीकरण कहलाता है। ह्यूमस कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है, और जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं वे उन्हें मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार मुक्त हुए कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जिंक, मैग्नीज, पोटेशियम और NH4 आयन पादपों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तथा इनका प्रयोग कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में करते हैं। यानी जो इन मृत अवशेषों से अकार्बनिक तत्व उत्सर्जित होते हैं वह पुनः किसी न किसी पौधे के द्वारा उपभोग कर लिए जाते हैं। अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अपघटन की दर जलवायवीय घटकों तथा अपराध के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है। अभी बताते हैं इसका मतलब क्या है कि अपघटन की जो दर है वो जलवायु घटकों द्वारा निर्धारित होती है। अगर वातावरण में तापमान ठीक ठाक है, मतलब 23-25 डिग्री सेल्सियस है, और नमी बहुत है, ठीक ठाक नमी है, आर्द्रता है, तब वहाँ पर अपघटन की प्रक्रिया तेज होती है, क्योंकि ये जो कंडीशन है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और नमी, 95% नमी, आर्द्रता, ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तो सूक्ष्म जीव अच्छे तरीके से फले फूलेंगे, क्योंकि उनका तापमान अनुकूल है, वातावरण अनुकूल है। तो जब सूक्ष्म जीव मात्रा में अधिक हो जाएंगे तो उनसे अपघटन की दर भी तेज हो जाएगी। लेकिन अगर ठंड का मौसम है और नमी बहुत कम है, तब ऐसे कंडीशन में सूक्ष्म जीव नहीं ग्रो कर पाते हैं, वहां पर सड़न गलन की प्रक्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। अब यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं, जैसे कोई पत्ती है, पेड़ का पत्ती है, पत्ती के गिरने पर उसे कीट वगैरह खाते हैं और उसके कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर मृदा में वापस पहुंचाते रहते हैं। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, इनके मृत होने पर, पतझड़ होने पर फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया होती है, खंडन, फिर अपचयन होता है कैटाबोलिज्म फंजाई बैक्टीरिया के द्वारा, फिर लीचिंग होती है, जो इनमें पदार्थ हैं वे जल के साथ मिक्स होकर कार्बनिक पदार्थ में अलग हो जाते हैं, इनका ह्यूमिफिकेशन होता है, ह्यूमस बनता है, काले रंग का क्रिस्टल रहित तत्व बनता है, और फिर इनसे मिनरलाइजेशन होता है, जो भी कार्बनिक तत्व से अकार्बनिक तत्व बनते हैं मृदा में मिल जाते हैं, और फिर वही कार्बनिक तत्व इन पौधों द्वारा, नए पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, उपभोग कर लिए जाते हैं। एक विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में यदि अपराध काइटिन और लिग्निन से युक्त है, अगर अपराध में, ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि अपराध में अगर काइटिन और लिग्निन की मात्रा अधिक है तब क्या होगा, अगर सड़े गले मृत अवशेष में काइटिन और लिग्निन की मात्रा ज्यादा है तब अपघटन बहुत धीमी गति से होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अपराध में अगर काइटिन और लिग्निन अधिक है तो अपघटन दर धीमा होता है। क्लियर है। यदि अपराध नाइट्रोजन और जल विलय तत्वों जैसे चीनी आदि से भरपूर है तब इस कंडीशन में क्या होगा, जब अपराध में नाइट्रोजन और जलीय विलय जैसे चीनी वगैरह की मात्रा दिखे तब अपघटन की दर तेज होगी, तीव्र होगी, तब तेज होती है, अपघटन तेज होता है। तो दोनों याद कर लीजिए कि जब मृत अवशेष में यानी अपराध में लिग्निन काइटिन की मात्रा अधिक होगी तो अपघटन धीमी गति से होगा, लेकिन अगर अपराध में
नाइट्रोजन जल विलेय पदार्थ जैसे चीनी वगैरह की मात्रा अधिक है तब अपघटन की दर तीव्र होगी। ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु घटक है। मैंने बताया ना कि ताप जब लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है और नमी यानी आर्द्रता लगभग 95% होता है तब इस कंडीशन में अपघटन बहुत तीव्र होता है। अपघटन तीव्र होता है क्योंकि ये जो कंडीशन है ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, उनके ग्रोथ करने के लिए अनुकूल वातावरण होता है। मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। गर्म एवं आर्द्र वातावरण में अपघटन की गति तेज होती है जबकि निम्न ताप और अवायवीय जन्य अपघटन की गति को धीमा करते हैं। जैसे परिणाम स्वरूप पकार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। मृदा की पीएच भी अपघटन की दर को प्रभावित करती है। साथ ही अम्लीय मृदा में अपराधारी कम पाए जाते हैं। अम्लीय मृदा है तो उसमें भी अपघटन कम होगा और अगर हल्का कम क्षारीय मृदा है तब अपघटन की दर तीव्र होती है। यहाँ पर आपको अपघटन की प्रक्रिया दिखाई गई है जिसमें कोई पौधा है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। इनकी पत्तियों के गिरने वगैरह से या इनके संपूर्ण पौधे के गिरने वगैरह से इनके जो मृत अवशेष हैं या किसी जीव के मरने से जो मृत अवशेष हैं उनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। जो डेट्रीवोर्स हैं वो उन डेट्रीवोर्स जैसे केंचुआ वगैरह इन मृत अवशेषों को खाते पीते हैं, खंडन करते हैं और डिकम्पोजर्स जो हैं जीवाणु और कवक ये सभी उसे अपघटित करते हैं और पुनः मृदा में कार्बनिक तत्वों से अकार्बनिक तत्व बनाते हैं। वे अकार्बनिक तत्व पुनः इन पौधों द्वारा प्रयोग की जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे कैसे होता है। सूर्य के 1% ऊर्जा का प्रयोग पौधे से 10% ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक से 10% द्वितीयक को, द्वितीयक से 10% तृतीयक उपभोक्ता को दी जाती है। उसी को कहते हैं ऊर्जा प्रवाह। पारितंत्र के जैविक कारक भोजन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए उत्पादक द्वारा शाकाहारियों के लिए भोजन का निर्माण किया जाता है, शाकाहारियों द्वारा मांसाहारियों के लिए भोजन का निर्माण होता है। इस प्रकार पारितंत्र में भोजन तथा ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। ऊर्जा के एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरण को ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा प्रवाह एनर्जी फ्लो कहते हैं। गहरे समुद्र के जलीय पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारितंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। आपतित सौर विकिरण का 50% से भी कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण यानी PAR होता है। 11th में आपको प्रकाश संश्लेषण वाले भाग में बताया गया है। इसका सिर्फ 2-10% ही पौधे उपभोग कर पाते हैं लेकिन आपका जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अनुसार सौर ऊर्जा का केवल 1% ही पौधा उपभोग करता है, उसी का नियम लगाइएगा। ठीक है, विकिरण का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करती है। अतः यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पादपों द्वारा संग्रहण की गई सौर ऊर्जा एक पारितंत्र के विभिन्न जीवों के माध्यम से किस प्रकार प्रवाहित होती है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती ना ही नष्ट किया जा सकता, बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। पृथ्वी पर सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। जैसे क्या है, उत्पादक कौन है, पौधा। पौधा क्या है, उत्पादक है। तो प्रत्यक्ष रूप से कौन डिपेंड है इस पे, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली डिपेंड है शाकाहारी जीव। बोलिए हाँ, शाकाहारी जीव खाते हैं ना इनको, तो सीधे खा रहे हैं तो प्रत्यक्ष रूप से इन पे डिपेंड है। अब शाकाहारी जीव को खाते हैं मांसाहारी, मांसाहारी। अगर पौधा ना हो तो शाकाहारी जीव होंगे, शाकाहारी जीव ना होगा तो मांसाहारी खाएगा क्या, यानी पौधा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मांसाहारी जीव भी पौधे पर डिपेंड है लेकिन किस तरह से, अप्रत्यक्ष रूप से। ये डायरेक्टली पौधे को तो नहीं खाते हैं लेकिन पौधे को खाने वाले जीव को खाते हैं, इसलिए कहते हैं कि मांसाहारी जीव भी पौधों पर आश्रित हैं अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। ठीक, अतः आप पाएंगे कि सूर्य से उत्पादकों की ओर फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। भाई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट वगैरह में
कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशात्मक या बहुदिशात्मक या द्विदिशात्मक। तो ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है, सूर्य से ऊर्जा स्थानांतरित होते हैं पौधे को, पौधे से शाकाहारी जीव को, शाकाहारी जीव से मांसाहारी जीव को। ऊष्मा गति के द्वितीय नियम के अनुसार ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान कुछ ऊर्जा का अपहरास होता है और पारितंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर होने में कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ऊष्मा ऊर्जा के रूपांतरण की अंतिम अवस्था को प्रदर्शित करती है। ऊर्जा का स्थानांतरण या रूपांतरण में क्षय हुई ऊर्जा पुनः प्रयोग में नहीं आती, अतः ऊर्जा का एक ही बार प्रयोग में आना और इसका चक्रीकरण नहीं होता। सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं पौधे, कितना, 1%। इससे 10% दूसरे पोषी स्तर में, इससे 10% दूसरे पोषी स्तर में, इससे 10% दूसरे पोषी स्तर में, 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है ऊष्मा के रूप में। ठीक है, लिंडमान का 10% ला यही कहता है कि पारितंत्र में शाकाहारी प्राणी जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उत्पादकों यानी पौधों को खाते हैं, उपलब्ध ऊर्जा का कुछ ही भाग उनके शरीर का अंश बनाते हैं जबकि शेष ऊर्जा उनकी उपापचय क्रियाओं में व्यय हो जाती है। प्राथमिक मांसाहारी शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं किंतु उपलब्ध ऊर्जा का कुछ ही भाग उनके काम आता है, शेष ऊर्जा ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में विसरित हो जाता है। ऊर्जा स्थानांतरण का यही प्रतिरूप प्रत्येक पोषी स्तर पर होता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का ही स्वांगीकरण होता है, शेष 90% ऊर्जा उपलब्ध ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है अर्थात उपापचय क्रियाओं में उपयोग हो जाता है। इस प्रकार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसे लिंडमान का 10% नियम कहा जाता है जो कि 1942 में प्रस्तावित किया गया था। उदाहरण, यदि मान लें कि सूर्य की ऊर्जा 1,00,000 जूल है तो पौधे को कितना प्राप्त होगा, 1% यानी 1,000 जूल, यहाँ पर शायद 1,00,000 दी थी तो 10,000 जूल प्राप्त होगा। और ये तो बता ही चुके हैं, देख लीजिए, कहने का मतलब यही है कि इनका अगर 1,00,000 जूल है, तो इसका 1% यानी 10,000 जूल पौधे को, पौधे से 10% यानी 1,000 जूल इनको, ये 10% इनको, ये 10% इनको, क्लियर है बात, ऐसे ट्रांसफर होता है। बस आज का टॉपिक बस इतना ही, जिसमें आपको बताया गया ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, सदैव एक दिशात्मक होता है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके नीट में पूछे गए हैं। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी नीट की दृष्टि से भी, बोर्ड की दृष्टि से भी। और इसके बाद जो आता है टॉपिक खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड जिनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि अपरधारी कौन होते हैं, दूसरा क्वेश्चन ह्यूमस क्या होता है, तीसरा अपरध क्या होता है, चौथा ऊर्जा का प्रवाह किसी पारितंत्र में कैसा होता है, एक दिशात्मक, बहुदिशात्मक या द्विदिशात्मक। नेक्स्ट, ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था। बस इतने क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने, अपने कॉपी में भी नोट करना, आगे जो भी टॉपिक होगा उसके लिए आप जुड़े अपने यूट्यूब चैनल बालाजी के साथ। धन्यवाद।